हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डोली अरमानों की सीरियल में उर्मी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस की लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप उनके फैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल बटन को ताकि आपको मिले नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। उनका रियल नेम है नेहा मर्दा। उनका निकनेम है नेहा। 23 सितंबर 1985 में उनका जन्म हुआ था। साल 2021 में उनका रियल एज है 36। उनका बर्थ प्लेस है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। उनका जोडियाक साइन है लिब्रा। रिलीजन है हिंदुइज्म। उनका हाइट है 5 feet 2 inch, उनका वेट है 50 kg और उनका फिगर मेजरमेंट है 34-26-36। उनका हॉबीज है ट्रैवलिंग, राइफल शूटिंग, हॉर्स राइडिंग, स्केटिंग और स्विमिंग। चलिए जान लेते हैं उनकी एडुकेशन के बारे में। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है। बचपन से ही नेहा डांसिंग में बहुत ही पैशनेट है। चलिए देख लेते हैं उनके फैमिली की कुछ तस्वीरें। उनका बेस्ट फ्रेंड है बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2012 में उन्होंने पटना के रहने वाले बिजनेसमैन आयुष्मान अग्रवाल से शादी की है। ये जान लेते हैं उनके करियर के बारे में। 10 साल की उम्र में टेलीविजन शो वूडी वूडी के साथ नेहा ने अपनी डांसिंग करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्होंने ये शो जीत नहीं पाया था। इसके बाद 21 साल की उम्र में नेहा को फिर से वुगी वुगी शो में देखने को मिला था, लेकिन इस बार कंटेस्टेंट के तौर पर नहीं बल्कि जावेद जाफरी और रवि बहल के साथ इस शो को जज करते हुए देखने को मिला था नेहा को। उन्होंने सहारा वन चैनल की शो साथ रहेगा ऑलवेज सीरियल के साथ टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। नेहा को टेलीविजन इंडस्ट्री में अपना पहचान मिलना शुरू हुआ जब उन्होंने बालिका वधू सीरियल में काम करना शुरू किया था, जहां पर उन्होंने गहना का किरदार निभाया था। इसके बाद वो कई सीरियल्स में काम करते हुए नजर आए, जैसे कि घर एक सपना, ममता, एक थी राजकुमारी और देवों के देव महादेव। साल 2013 में जी टीवी की शो डोली अरमानों की सीरियल में उन्हें पहली बार मेन लीड रोल में काम करते हुए देखने को मिला था, जहां पर उन्होंने उर्मी का किरदार निभाया था। साल 2008 में किस्मत कनेक्शन मूवी के साथ उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला डेब्यू दिया था। साल 2018 में लाल इश्क और पिया अलबेला सीरियल में उन्हें देखने को मिला था। फिलहाल वो क्यू रिश्तों में कट्टी बट्टी सीरियल भी सुभ्रा चड्ढा के किरदार में नजर आ रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अभी तक नेहा को कितने अवार्ड्स मिले हैं। साल 2015 में डोली अरमानों की सीरियल में उनकी एक्टिंग स्किल को देखकर उन्हें फेवरेट बेटी की कैटेगरी में जी रिश्ते अवार्ड दिया गया था। चलिए जान लेते हैं उनके इनकम के बारे में। उनकी सैलरी के बारे में बात करें तो पर एपिसोड के लिए वो 85,000 रुपीस लेती है और पर फिल्म के लिए 40,000 रुपीस लेती है। चलिए जान लेते हैं नेहा की कार कलेक्शन के बारे में। उनके पास होंडा सिविक मॉडल की कार है जिसका कीमत है 18 लाख। चलिए देख लेते हैं उनके घर की इंटीरियर डिजाइन। Thank you.
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगली वीडियो में आप किसका लाइफस्टाइल देखना चाहती है कमेंट करके हमें जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।